हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि अगर उसको बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपको एडिट करना हो, जैसे होता ना कभी कभी हम जब टेबल क्रिएट करने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा रो ऐड करनी होती है, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना होता है, या एक्स्ट्रा रो या एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट करना होता है, तो वो हम कैसे करेंगे गूगल डॉक्स में, ये भी जानेंगे। तो देखिए, गूगल डॉक्स का प्लेन पेज आपके सामने यहाँ ओपन है। अब अगर हमें इसमें टेबल क्रिएट करनी है तो हमको जाना होगा इंसर्ट में। ये देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऊपर कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है इंसर्ट का, तो इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए और ये रहा आपके सामने टेबल का ऑप्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ टेबल क्रिएट करने के लिए है। अभी मैं बताऊंगा कि अगर उसमें कुछ एडिटिंग आपको करनी है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉलम रो ऐड या डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सिंपल पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ से एक टेबल, अपने हिसाब से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो हम ये 3x3 की टेबल जो हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमें एक्स्ट्रा रो या एक्स्ट्रा कॉलम इसमें ऐड करना, तो आपको बहुत सिंपल है। सिंपल जैसे देखिए, यहाँ पर क्या करना है, ये कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट रो कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। आप अपने हिसाब से टेबल ऐड या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं गूगल डॉक्स में।